आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। ऑपरेशन तमंचा अभियान पर एडीजी जोन ने कहा, जोन के 11 जनपदों में क्रियाशील है ऑपरेशन तमंचा। तमंचे के सोर्स के बारे में भी की जा रही है तफ्तीश। गोरखपुर सहित पूरे प्रदेश में 3 जुलाई को होगा जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव। उसी दिन होगी मतगणना। 26 जून को नामांकन और 29 जून को कर सकेंगे नाम वापसी, डीपीआरओ ने दी जानकारी। सोमवार को राजघाट इंस्पेक्टर द्वारा पिटाई वाले वायरल वीडियो को लेकर पीड़ित युवक ने मंगलवार को एडीजी जोन से की मुलाकात, सौंपा ज्ञापन। एडीजी जोन तथा एसपीसीटी ने कहा, वायरल वीडियो की जांच कर की जाएगी उचित कार्रवाई। चौरी चौरा पुलिस ने मुठभेड़ में शातिर लुटेरा मिथुन पासवान सहित 6 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। एसएचओ ने कहा, दर्जनों मुकदमों में वांछित था अभियुक्त मिथुन पासवान, भेजा गया जेल। पुलिस मुठभेड़ में शातिर अपराधी प्रिंस पांडे और प्रतीक पांडे को लगी गोली, गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। एसपीसीटी ने कहा, 22 मुकदमों में था वांछित। उपचुनाव में निर्वाचित ग्राम प्रधानों का 18 और 19 जून को होगा वर्चुअल शपथ ग्रहण। डीपीआरओ ने कहा, 20 जून को गठित होगी शेष ग्राम पंचायतें। प्रतिष्ठित ठेकेदार से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले 15,000 का इनामिया बदमाश को गोरखनाथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीओ गोरखनाथ ने कहा, 2 साल से चल रहा था वांछित, भेजा गया जेल। भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में शास्त्री चौक पर ऑटो चालकों के टीकाकरण के लिए कराया गया रजिस्ट्रेशन। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा, ऑटो चालक परिवार और समाज के लिए अवश्य कराएं कोविड का टीकाकरण, रहे सुरक्षित। गोरखपुर में मंगलवार को मिले 14 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,193। अब तक 830 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके अपनी जान। 246 हुए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के कार्यकर्ताओं ने एडीएम फाइनेंस को सौंपा ज्ञापन, मांगों को शीघ्र पूरा कराने की मांग। पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के तहत रेहड़ी पटरी वालों का दूसरे दिन भी हुआ टीकाकरण। नगर निगम परिसर में टीकाकरण केंद्र पर लोगों ने कराया वैक्सीनेशन। जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के सदस्यों ने सरकारी कार्यालयों में वैक्सीनेशन कैंप लगाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को प्रेषित किया ज्ञापन। कहा, कर्मचारियों की सुरक्षा के दृष्टिगत सरकारी कर्मियों का कराया जाए टीकाकरण। मरीजों के बेहतर इलाज के लिए सेफ सोसाइटी एवं हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी इंडिया ने जिला प्रशासन को कराया 3 वेंटिलेटर मुहैया। एडीएम फाइनेंस ने संस्था के प्रति जताया आभार। कहा, कोरोना मरीजों के इलाज में कारगर साबित होगा वेंटिलेटर। नगर निगम कर्मचारी समन्वय समिति के चुनाव में निर्विरोध चुने गए अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारी। नव निर्वाचित अध्यक्ष ने कहा, कर्मचारी हित में करेंगे कार्य। जनपद में जिला अस्पताल सहित 72 केंद्रों पर 8,023 लोगों का किया गया कोविड टीकाकरण। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, अवश्य लगवाएं टीका जीत का। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए शासन द्वारा लगाए गए कोरोना नाइट कर्फ्यू का मंगलवार को भी देखने को मिला असर। एसपीसीटी ने कहा, 28 स्थानों पर बैरिकेडिंग कर कराया जा रहा है नाइट कर्फ्यू का पालन। और झमाझम हुई बारिश में लोगों की दिनचर्या हुई प्रभावित। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अभी 2 दिनों तक छाए रहेंगे बादल, होगी बारिश।